हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरे अम्बाला छावनी में भाजपा के बोर्ड और फ्लैक्स लगने के बाद नगर परिषद अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इनेलो की प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि एक शहर में दो कानून कहां तक जायज हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अधिकारियों के आदेश अनुसार कहीं पर भी फ्लैग्स या बोर्ड लगाने से पहले नगर परिषद अधिकारियों से इसकी इजाजत लेना आवश्यक है। अभी हाल ही में जब चौधरी अभय सिंह चौटाला का अम्बाला छावनी में कार्यक्रम था तो उन्हें लिखित में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को प्रार्थना पत्र देकर सिर्फ निश्चित स्थान पर और निश्चित समय के लिए ही फ्लैग्स लगाने की इजाजत मिली थी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना नगर परिषद की इजाजत के फ्लैग्स या बोर्ड लगा देता है तो नगर परिषद के अधिकारी उसको जुर्माना और दंड लगाकर नोटिस भेज देते हैं। यहां तक कि मुकदमा दर्ज करवाने का भी नोटिस भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक नोटिस उन्हें भी प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि आपने नगर परिषद के क्षेत्र में बिना इजाजत के फ्लैग्स लगाए हैं, इसके लिए आपके ऊपर 10,000 रुपए प्रति फ्लैग जुर्माना और कैद का दंड हो सकता है, साथ ही मुकदमा दर्ज भी किया जा सकता है। इस संबंध में जब सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पूछा गया कि अब तक कितने व्यक्तियों को जुर्माना लगाया गया या मुकदमा दर्ज किया गया तो मुझे मेरे वाले नोटिस कैंसिल करने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई गई ताकि बिना इजाजत के लगाए गए बोर्ड और फ्लैग्स लगाने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। कितनी अजीब बात है कि एक ही शहर में दो कानून लागू हो रहे हैं जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्राप्त है, जिसका अभिप्राय है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होगा। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण भी आज अम्बाला छावनी में सबके सामने है कि नगर परिषद के किरायेदारों और अवैध कब्जाधारियों की रजिस्ट्री हो रही है और वैध कब्जाधारियों मालिकों और सरकारी अलॉटमेंट धारकों की रजिस्ट्री बंद कर दी गई है। ऐसी भेदभावपूर्ण नीति नहीं होनी चाहिए और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज अम्बाला छावनी में क्या हो रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। अम्बाला छावनी में अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था बाजार में किसी पिलर पर या खंबे पर फ्लैक्स लगाती है तो नगर परिषद अधिकारियों द्वारा उसे नोटिस दे दिया जाता है, 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये जुर्माना, मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाती है। लेकिन आज आप देखिए एक हवाई अड्डा बनाने के लिए कितने फ्लैक्स लगे हुए हैं, सारी तरफ फ्लैक्स ही फ्लैक्स हैं। क्या नगर परिषद अधिकारी इसके बारे में कुछ जवाब देंगे? मैंने सीएम विंडो भी लगाई है और सूचना भी लगाई है लेकिन अब देखना यह है कि इसमें जवाब आएगा कि नहीं। एक शहर दो कानून ये संभव तो नहीं है। एक तरफ किराएदारों की रजिस्ट्री करवा रही है सरकार और दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रपति से, सरकार से, भारत सरकार से मकान लिए, अलॉटमेंट लिए, उनकी रजिस्ट्री बंद है। ये सोचना पड़ेगा, शहर एक और कानून दो, क्या ये सही है? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।